गली भी आगे लाइट बैठ क्या मैं खड़े हैं और यहाँ मिलने के लिए मना किया आप दो ना मिलने के लिए मना किया इमरजेंसी कॉल लेके आए क्या है इसमें लिखने में क्या है किस धारा के तहत क्या है क्या है क्या ऊपर से क्या निर्देश है नहीं कोई धाराएं वगैरह कुछ नहीं है बस जबरन किया जा रहा है सब कुछ पुलिस का भी बयान लो किसी अधिकारी उठा था ना तो अधिकारी का जो अधिकारी उनके अलावा कुछ नहीं था खबर चलानी है चलाते क्यों खबर बताओ सही बात सही चीज सदर में जाए तीन चार बार दर्ज करे को सूचना मिली है कि डॉक्टर्स को यहाँ से उठाया गया है लेकिन डॉक्टर्स को सूचना नहीं मिली बिना किसी सूचना के बाड़मेर जिले में कई डॉक्टर्स को उठाया गया है और कईयों पे कार्रवाई जारी है और कुछ लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं यहाँ पे तीन डॉक्टर अभी अंदर है और ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को उठा के लेके आए हैं यहाँ पर और कारण जब पूछा जा रहा है प्रशासन से तो प्रशासन बताया जा रहा है कि कार्रवाई करने के निर्देश ऊपर से हैं सर एक सवाल बाहर एम्बुलेंस भी इंतजार कर रही है वो क्या मामला है बिल्कुल एम्बुलेंस इंतजार कर रही है जो अंदर गायनेकोलॉजिस्ट है उनका कॉल है जो गायनेकोलॉजिस्ट है सर्जन है और एक प्रसाविका अंदर अभी उनको ऑपरेशन की जरूरत है और सरकार के पास में इतने गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है जो है वो ऑन ड्यूटी थे उनको यहाँ ला के बिठा दिया गया है और उनका कॉल था तो एम्बुलेंस उनको यहाँ लेने के लिए आई है इसलिए वो एम्बुलेंस वहाँ पर इंतजार कर रही है सर अब आपकी मांग क्या है हमारी मांगें ये हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे जब हम खड़े हैं इसकी हमारी ये मांग ये है कि किस आदेश के तहत इनको गिरफ्तार किया है अगर कोई गिरफ्तारी वारंट है तो हमें दे अगर गिरफ्तारी वारंट नहीं है तो इस तो इन इन मतलब इस जनता को बेवजह सरकार क्यों परेशान कर रही है और क्यों ऊपर से आदेश इस तरीके से निकाले गए हैं और अगर कोई आदेश इस तरीके का है तो उसकी कॉपी अवेलेबल करें हम उसका जमानत होगी या जो भी हमारे होगा वो करेंगे जो जनहित में होगा अभी तक हमारी जो कॉल थी स्ट्राइक की वो 18 तारीख से थी 18 से हम स्ट्राइक पे जाने की कॉल दी थी और सरकार का और शासन का ये दायित्व बनता था कि 18 तारीख तक ये लोग हमसे वार्ता करते हैं या हम खुद पहल कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से बेहतर बात हो और वातावरण बने जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हो लेकिन अब आप सामने देख रहे हो कि डॉक्टर तो अंदर बैठा है और आज तारीख 15 है अब 18 कब आएगी पता नहीं जब आप शुरुआत ही ऐसी कर रहे हो तो किस तरीके से हम आपसे गले मिलें किस तरीके से हम आपसे हाथ मिलें आप बताओ ना ये कैसे करें हमें भी दुख है कि भाई जनता परेशान होगी लेकिन अब परेशान आप कर रहे हो ना हम भी तो जनता में शुमार है हम भी तो चिकित्सक हैं इंसान हैं हमें मत दो भगवान का दर्जा मर जाएं क्या इस चीज़ के लिए कोई 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 आपका नोटिस नहीं है कोई समन नहीं है गजेटेड अधिकारी को फर्स्ट ग्रेड आदमी को आपने बिना किसी समन के बिना किसी नोटिस के ऑन ड्यूटी होते हुए उसको गिरफ्तार करके लेके आए ऑन कॉल है एम्बुलेंस बाहर इंतजार कर रही है मरीज उसका इंतजार कर रहा है और शासन क्या कहेगा अब इसके लिए और शासन जिम्मेदार है वो कहे उसके लिए कहे जी जैसा कि बिल्कुल पूरे राजस्थान में ऐसी कार्रवाई की सूचनाएं प्राप्त हुई है सवाई माधोपुर से 8 है जालौर में जो हमारे संगठन के पदाधिकारी उनको पकड़ा गया है कई जिलों में सूचनाएं जोधपुर से आई है सब जगह से सूचनाएं आ रही है कि रात में इन लोगों को पकड़ना शुरू किया गया है और कोई जहां जिस जगह जाओ जिस थाने में जाओ जिस चौकी में जाओ वहां पर इंचार्ज यही कहते हैं और इवन SP साहब से पूछो आप किसी भी बड़े आदमी से पूछो अधिकारी से तो उनका यही जवाब होता है कि आदेश ऊपर से है अब ऊपर से कितने हैं वो तो या तो शासन बताए या सरकार बताए और हमारे मैम तो कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बताए कि कितने ऊपर से आदेश आए हैं और लोकतंत्र में ऐसी कौन सी स्थिति बन गई है कि यहाँ पे आप कैमरा घुमा के उधर दिखाओ
कि सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, सारे डॉक्टर जिनको आज ड्यूटी पे पीएमओ के अंदर होना चाहिए था वो यहाँ बैठे हैं, और वो किस किस मानसिक स्थिति में सुबह काम करेंगे। हमारे ये नहीं बताया गया कि आपके डॉक्टर को हम उठा के लेकर जा रहे हैं, किसी को नहीं बताया है। और अब आप सुबह कहोगे कि डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? मेरा भाई अंदर बैठा है तो मैं कैसे ड्यूटी करूँ? आप दोनों जवाब, आप हो पत्रकार मीडिया वाले तो आप बताओ ना इसको, आपका भाई आप पे दमन हुआ तो आप क्या करोगे? करोगे ना, आवाज उठाओगे ना? कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं सरकार के मन से आप बैठे ठंड में। नहीं, अभी यदि डॉक्टर चिकित्सकों नहीं छोड़ा गया तो क्या सुबह आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई ऐसा बनता है? कोई इशू नहीं। हाँ, मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिली मेरे ड्यूटी डॉक्टर से कि भी डॉक्टर खेताराम कॉल पे है और एपीएस का पेशेंट आया हुआ है, वो बहुत सीरियस है, उसको कॉल की तो वो घर पे नहीं मिला, हमने हमारी एम्बुलेंस भेजी तो वहाँ घर पे नहीं था, घर वालों ने लिख के दिया कि भी वो कोतवाली पुलिस ले गई है, तो मुझे मैसेज मिला कि भी कोतवाली पुलिस में गए, तो मैं पुलिस में यहाँ आया, यहाँ पर डीएसपी साहब जो सीईओ बाड़मेर है बैठे थे, उनसे बात की कि भी मेरे डॉक्टर को आप लाए हो वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दो कि भई आप क्यों लाए, ये लिखित में दे दो ताकि मैं अल्टरनेट व्यवस्था करूं। इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि भई ऊपर से आदेश है, ये मुझे जवाब मिला। सर, अभी क्या व्यवस्था रहेगी जैसे इमरजेंसी में भी आप कह रहे हैं कि इस तरह की? भाई इमरजेंसी में मेरे तो जो रूटीन व्यवस्था होती वो है। नहीं, सभी डॉक्टर हड़ताल पे हैं, अभी कह रहे हैं नहीं ड्यूटी पे आएंगे। सभी डॉक्टर हड़ताल पे है ये मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और किसी को पुलिस उठा के ले गई है ये मेरे पास कोई सूचना नहीं है। नहीं, अभी आपको सूचना मिल गई है दो डॉक्टरों को उठा लिया है। हटाया, सूचना कहाँ मिली? मुझे दिया नहीं, लिखित में दे नहीं कि भी हम इनको उठा के लाए हैं इस कारण से, तो मैं दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था तो मैं तब करूँगा जब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई इस कारण से इसको उठा के हमने पुलिस लाए है, कानून है, कानून कार काम करे अपना। नहीं भी, अभी आपको ये जानकारी मिली है कि दो जानकारी से जानकारी गंभीर है, उनके लिए क्या अटेंडेंस? उनके लिए मैं क्या करता था? मैंने मेरी कॉल कर दी। नहीं, कॉल पे भी नहीं आया, अभी आगे की कॉल पे नहीं आया, अगर मेरे डॉक्टर ने मना किया है तब मैं उसे निपटूंगा, मेरे डॉक्टर ने मना नहीं किया और किसी और की गलती है तो वो निपटे। नहीं, डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार आप दो नहीं, मुझे वो चीज मुझे दो के मेरा डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है, मैं अल्टरनेट व्यवस्था करूंगा नहीं। मैं पुलिस की सूचना है कि दो डॉक्टरों को, तो मुझे वो सूचना ही तो नहीं मिल रही है कि हमने इसको गिरफ्तार किया, ये सूचना दो नहीं मेरे को, आप मीडिया पर्सन दे दो और उसकी जानकारी नहीं, मुझे तो वो चाहिए कि हमने उसको गिरफ्तार किया, ऑफिशियली गिरफ्तार किया है, मैं वो दूसरे अल्टरनेट व्यवस्था करूंगा। और सुबह सभी डॉक्टर हड़ताल पे है, सुबह जाएंगे नहीं जाएंगे मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं। अभी मैं नाइट ड्यूटी पे ही हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में, ऑन ड्यूटी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, मेरे को आधा घंटा पहले गायनिक वार्ड से कॉल आती है, पेशेंट लेबर में होता है और उसके थोड़े ब्लीडिंग हो रही होती है पीवी की, तो मैंने तुरंत ही एम्बुलेंस से जो ऑन कॉल डॉक्टर है डॉक्टर खेताराम सोनी गायनिकोलॉजिस्ट, उनको कॉल पर भेजा। एम्बुलेंस पहले उनके घर पर गई तो उन्हें ड्राइवर को सूचना मिली कि उनको पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई है, तो एम्बुलेंस उसके बाद कोतवाली थाने गई पर वहाँ पे उन्हें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला, तो एम्बुलेंस वापस हॉस्पिटल आ गई और डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आ पाए ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर, इसलिए क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में है। तो फिर मैंने जाके गायनिक में वापस पेशेंट को देखा, पेशेंट डिलीवर्ड हो चुका है, उसके ब्लड की थोड़ी कमी थी तो ब्लड भी शुरू कर दिया है, और इस पूरी घटनाक्रम को मैंने पीएमओ साहब से तुरंत डिस्कस किया कि जो ऑन कॉल डॉक्टर ड्यूटी है वो अभी आ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें पुलिस ने शायद कस्टडी में ले लिया है। सर, इमरजेंसी में अगर कोई अभी कोई केस ऐसा आता है तो नहीं, उस बारे में मैंने अभी जस्ट अभी पीएमओ साहब से बात की है, इस पेशेंट की डिलीवरी हो चुकी है, इसके ब्लड वगैरह शुरू हो गया है और पीएमओ साहब से तुरंत बात की है, मैंने कहा वो डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर है जो एम्बुलेंस वापस लौटी है, अभी ऑन कॉल डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो नहीं आ पाए हैं, तो पीएमओ साहब ने कहा कि एक बार आप वापस पीएमओ साहब से बात करेंगे और इसके लिए जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जाएगी या जो भी पीएमओ साहब निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। सर, पीएमओ साहब का कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो भी एक दो डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं, तो किस तरह से ये मतलब इलाज जैसे इमरजेंसी में किया जाएगा? इमरजेंसी में ड्यूटी डॉक्टर में हुई और तुरंत इसका अभी वापस दोबारा पीएमओ साहब से सूचना दी, इस बारे में निर्देश लिए जाएंगे। और उनका एक और कहना है कि अगर इस केस में अगर कोई भी डॉक्टर अगर ड्यूटी कॉल पे नहीं आते हैं तो हमें पेशेंट को मजबूरन रेफर करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा सीरियस पेशेंट होगा तो हम उसको रेफर ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है।
और अंतिम निर्णय अंतिम निर्देश पीएमओ साहब से दोबारा लिए जाएंगे। अभी के लिए उन्होंने यही बोला है कि अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन में सीरियस और कॉल पे डॉक्टर नहीं आते हैं तो फिर हमें पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा।